Welcome students, in today's class, today we have to see about lesson number 2, operating system. Students, in today's class we will see about what is operating system, what is the use of operating system, what are your functions performed by an operating system. आपको पता है students, आप अगर computer पे work करते हो, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, उसी समय आप सॉन्ग भी सुनते हो, है ना, उसी समय आप ड्राइंग भी कर सकते हो, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट में, या फिर प्रिंट ले सकते हैं. मींस वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम ऑन अ कंप्यूटर. हाउ इट विल बी पॉसिबल, कैन यू थिंक एनी टाइम, सोचा है कभी, आपको कभी क्वेश्चन आया कि इतने एक साथ इतने मल्टीपल टास्क हम एट अ टाइम कैसे कर पाते हैं? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जिसकी वजह से हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड इनेबल अदर प्रोग्राम्स टू रन ऑन इट. कंप्यूटर के ऑपरेशंस तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही अदर प्रोग्राम रन करने में भी मदद करता है. ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. यूज़र का कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट होने के लिए, मतलब यूज़र कंप्यूटर का यूज़ कर सके, इसके लिए एटमॉस्फेयर या प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है और इंटरफेस करता है, मतलब यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है. एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, जब हम हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर ऑन करते हैं, है ना, तो ऐसे ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उस ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपको ऐसे 4 कलर की विंडो दिखती है, तो वो क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स अ आइकॉन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. वैसे ही आपके घर में सभी के यहाँ स्मार्टफोन है ना, आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनकी परमिशन से, पेरेंट्स की परमिशन से एक आधे बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके देखो, ओके, या फिर बंद कर दो और फिर ऑन करके देखो, या फिर रीस्टार्ट करके देखो. तो रीस्टार्ट करते समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट होगा, वो ग्रीन कलर का, ऐसे रोबोट के आइकॉन का एक ग्रीन कलर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखता है, तो वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मोबाइल. वैसे ही अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, मैक ओएस, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर. और अगर मोबाइल के लिए हमें देखना है तो एंड्रॉयड और iOS, ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन. ओके, तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये तो हमें समझा. इट्स अ सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या इंटरफेस करता है, यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है, साथ ही अदर एप्लीकेशंस रन होने में भी मदद करता है. नाउ वी हैव टू सी अबाउट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से वर्क करता है, कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? इट परफॉर्म्स इंटरफेस मैनेजमेंट, दिस फर्स्ट पॉइंट. इट्स एन इंटरफेस मैनेजमेंट. ऑल्सो डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. वी विल सी अबाउट दिस फंक्शंस इन डिटेल. इंटरफेस मैनेजमेंट. इंटरफेस मैनेजमेंट क्या करता है? अब इंटरफेस करता है मतलब क्या करता है? यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द यूज़र विथ अ मीडियम टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. मतलब ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर से इंटरैक्ट हो सकते हैं. दिस मीडियम इज कॉल्ड एन इंटरफेस ऑफ अ यूज़र. There are two types of interfaces, that is CLI, command line interface,
ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, और सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, वी हैव टू सी नाउ। कमांड लाइन इंटरफेस ऑन पेज नंबर 14, ओके, ओपन योर पेज नंबर 14। इट्स अ इंटरफेस मैनेजमेंट टॉपिक, ओके। सी इन फर्स्ट पॉइंट इन सी एल आई, द यूजर हैज अ टाइप ऑफ कमांड्स एट द कमांड प्रॉम्प्ट। अब सी एल आई का कमांड लाइन इंटरफेस, इसके नाम में ही दिखा है कमांड लाइन, इसके नाम से ही पता चलता है हमें कमांड देनी है, इसमें वन बाय वन कमांड देनी पड़ती है। जैसे अगर हमें टाइम देखना, डेट देखनी है, तो डी ए टी डेट करके ऐसे कमांड हमें देनी पड़ेगी। सो कमांड लाइन इंटरफेस में हमें एवरी टाइम टू परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू गिव द कमांड। इन सी एल आई द यूज़र हैज़ टू टाइप कमांड्स एट द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट, विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, ये ब्लैक स्क्रीन होती है जिसमें हमें डॉस कमांड, डॉस स्क्रीन बोलते हैं, उसमें हमें कंप्यूटर को कमांड लिख कर देनी पड़ती है। जैसे टाइम, टी आई एम ई टाइम, ऐसे लिख कर देंगे, डी ए टी डेट। तो ऐसे एक एक कमांड, जो जो हमें टास्क परफॉर्म करना है उसकी कमांड हम लिख कर कंप्यूटर में देंगे, कंप्यूटर में लिखेंगे। द अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स वर बेस्ड ऑन सी एल आई। यूनिक्स और डॉस, ये दो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस है, सी एल आई बेस्ड है, ओके। मतलब ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में, डॉस और यूनिक्स, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस हमें लिख कर ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज अ जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन जी यू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बाय जस्ट सिलेक्टिंग एंड क्लिकिंग ग्राफिक्स और आइकॉन्स। आप जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो सामने आप डेस्कटॉप देखते हो, कंप्यूटर का है ना डेस्कटॉप रहता है। डेस्कटॉप पे आपको क्या दिखता है, वहाँ अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, है ना। डेस्कटॉप पे आपको छोटे छोटे पिक्चर में आपको एप्लीकेशंस दिखती है। अगर वी एल सी मीडिया प्लेयर है तो उसका ऐसे ट्रायंगल जैसा आइकॉन दिखता है। कंप्यूटर है तो माय कंप्यूटर ड्राइव्स अगर आपको ओपन करने हैं तो उसमें माय कंप्यूटर का आइकॉन होता है। रिसाइकल बिन का भी आइकॉन होता है, ऐसे डस्टबिन जैसा, है ना। वैसे ही नेटवर्किंग का आइकॉन होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग करके। तो अलग अलग एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर में हम यूज़ करने वाले हैं, यूज़र यूज़ करेंगे उस, वो सारी एप्लीकेशंस पिक्टोरियल फॉर्म में, छोटे छोटे पिक्चर्स के फॉर्म में आपको सामने दिखाई देती है। इट इज़ कॉल्ड आइकॉन्स, उसे बोलते हैं आइकॉन। और ये क्यों पॉसिबल होता है कि हमें एप्लीकेशंस छोटे छोटे आइकॉन के फॉर्म में दिखती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ जी यू आई, दैट इज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट बाय जस्ट सिलेक्टिंग द क्लिकिंग ग्राफिक्स। और हम एप्लीकेशंस ओपन कैसे करते हैं, वी जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकॉन। हमें अगर वर्ड एप्लीकेशन ओपन करनी है तो हम क्या करते हैं, ऐसा बढ़ता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, उससे वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। मतलब हमें एप्लीकेशन ओपन करने के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता, जस्ट माउस से सिंपल क्लिक करना पड़ता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एप्पल्स मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जी यू आई। तो अभी जो प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल कंपनी की मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ही जी यू आई बेस्ड है। क्या बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। नेक्स्ट इज अ डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट